प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आठवीं कक्षा गणित के चैप्टर दो के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल की इंट्रोडक्शन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो यदि किसी को लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल के बारे में जानने की इच्छा है तो पिछले लेक्चर में जाइए और उस पार्ट वन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आज हम लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 2.1 का पहला सम है सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 7, तो ये पहला सम है। इसमें आपको x माइनस 2 बराबर 7 जो ये इक्वेशन दी गई है, समीकरण दी गई है, ये आपको हल करनी है। और हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है। इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू निकालना। तो यहां वेरिएबल क्या है, x। तो x इज इक्वल टू इस 2 को उस साइड उठा के लेके जाएंगे, बराबर के निशान से दूसरी तरफ यदि लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस बन जाएगा 7 प्लस 2 यानी 9। एक्स इज इक्वल टू 9 आपका आंसर है। तो ये है आपका पहला सम। सेकंड सम है आपका वाई एस सोल्व द इक्वेशन। तो इक्वेशन को सोल्व करना है और इक्वेशन है आपकी वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू 10। तो प्यारे विद्यार्थियों हमें इसके अंदर y की वैल्यू निकालनी है। तो y बराबर क्या आ गया, माइनस 3 उधर है क्योंकि प्लस 3 है तो उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा। 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7। तो इस प्रकार आपकी y की वैल्यू हुई और इक्वेशन आपकी सोल्व हुई। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सोल्व द इक्वेशन जेड इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2, तो आइए सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे करनी है इक्वेशन को सॉल्व, हमें z की वैल्यू निकालनी है। प्यारे विद्यार्थियों z को हम ऐसे का ऐसे रखेंगे और 2 को हम चेंज करेंगे, बराबर के निशान से इज इक्वल टू से दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो 2 उधर जाएगा, माइनस का आ जाएगा 6 माइनस 2 यानी 4, जेड इज इक्वल टू 4। तो ये आपकी इक्वेशन हल हुई। तो आपको यहां थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि हमने जेड इस साइड था इधर लिख दिया लेकिन साइन चेंज नहीं किया। प्यारे विद्यार्थियों यहां एक बात समझने की है, जब किसी का साइन चेंज होता है तब ही यह माना जाता है और यह होता है कि उसको बराबर के निशान से कुदाया गया है, उठाया गया है। लेकिन जब तक हमने जेड का साइन चेंज नहीं किया, चाहे हम इस साइड लिखें चाहे हम उस साइड लिखें, इसका मतलब वो अपनी पोजीशन पर एज इट इज है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बड़े छोटे छोटे सवाल है, बड़े छोटे छोटे सम है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सोल्व द इक्वेशन 3 बाय 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17 बाय 7। तो ये आपका सम है। तो सबसे पहले इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना। तो हम x को यहां रखेंगे, 17 बाय 7 यहां ऐसे है तो 3 बाय 7 को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 3 बाय 7। तो हम छोटी कक्षाओं में, छोटी क्लासेज में सीखा था फ्रैक्शन को सोल्व करना, भिन्नों को हल करना। तो सबसे पहले हम यहां एलसीएम लेंगे, एलसीएम 7 आया, 7 वन जा 7 17 वन जा 17, माइनस 7 वन जा 7, 3 वन जा 3। तो ठीक आगे क्या आया, एक्स इज इक्वल टू 17 माइनस 3, तो क्या बचा आपका, बचा 14 बाय 7, 7 वन जा 7 7 टू जा 14। तो x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2, यह आपकी इक्वेशन सॉल्व हुई, इस प्रकार समीकरण हल हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
क्वेश्चन नंबर फाइव है प्रिय विद्यार्थियों, सॉल्व द इक्वेशन 6x = 12। 6x = 12, तो x की वैल्यू क्या हुई, 12 इधर है तो 6 को इधर लेके जाएंगे, यहां मल्टीप्लाई में है x के, तो वहां डिवाइड में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो 12/6, 6 1 = 6, 6 2 = 12, यानी x = 2। तो यह आपका आंसर हुआ और आपकी क्वेश्चन सॉल्व हुई। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है प्यारे विद्यार्थियों, सॉल्व द इक्वेशन t/5 = 10। तो 10 = देखिए 5 यहां डिवीजन में है, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 10 × 5 यानी 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 50, तो t = 50, यह आपका आंसर हुआ और इक्वेशन आपकी सॉल्व हुई। तो क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, सॉल्व द इक्वेशन और इक्वेशन है 2x/3 = 18। तो आइए इसको कैसे हल करेंगे, 2x को ऐसे का ऐसे रखेंगे, 18 तो 3 यहां डिवीजन में है, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अभी मल्टीप्लाई करो तो भी ठीक है, ऐसे का ऐसे रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x = 18 × 3 ऐसे का ऐसे एज इट इज, तो 2 यहां मल्टीप्लाई में था तो डिवीजन में चला गया, 18 × 3/2, 2 1 = 2, 2 9 = 18, 9 3 = 27, x = 27। तो यह इस प्रकार आपकी इक्वेशन सॉल्व हुई। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बिल्कुल सभी सवालों को अच्छे से समझ रहे होंगे और सारे सवाल अच्छे से आपको आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व द इक्वेशन 1.6 = y/1.5। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम x को एज इट इज रखेंगे, x = हम देखते हैं कि 1.5 क्या है, 1.5 डिवीजन में है, भाग में है, तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1.6 × 1.5। तो हमने छोटी क्लासेज में सीखा था डेसिमल को खत्म करने के लिए, डेसिमल को मिटाने के लिए कितने के बाद डेसिमल है, एक के बाद, तो 10 से डिवाइड, इधर कितने के बाद है, एक के बाद, तो फिर 10 से डिवाइड यानी 100 से डिवाइड कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 16 की और 15 की, तो y = 16 की और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आएगी 240 / 100। तो 100 का क्या हुआ, 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे और 100 खत्म हो जाएगा, ये हमने छोटी क्लासेज में सीखा है। तो y = 2.40 भी लिख सकते हैं और 2.4 भी लिख सकते हैं, एक बात है 2.4 या 2.40। तो ये आपका आंसर हुआ और क्वेश्चन नंबर 8 की जो इक्वेशन थी वो सॉल्व हुई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्व द इक्वेशन, तो इक्वेशन आपको दी गई है 7x - 9 = 16। 7x - 9 = 16, तो 7x = तो 9 बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 16 + 9, तो 16 + 9 = 25, x = 25/7, कैंसल होता हो तो कैंसल कर देंगे, कैंसल कुछ होता नहीं, तो आपका आंसर आ गया 25/7 आपका आंसर हुआ और इस प्रकार 9th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो आइए क्वेश्चन नंबर टेंथ क्या है, क्वेश्चन नंबर टेंथ है सॉल्व द इक्वेशन और इक्वेशन है आपकी 14y - 8 = 13। तो प्रिय विद्यार्थियों, 14y को एज इट इज रखो, 13 + 8, 8 को उठा के ले गए तो प्लस का हुआ,
फोर्टीन वाई इज इक्वल टू 13 + 8 = 21, 21 y = 21 / 14, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है वहां डिवीजन में चला जाएगा, तो किससे कैंसिल होगा, 7 से, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 14 = 21, तो y इज इक्वल टू 3/2, ये आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार इक्वेशन सोल्व हुई और 10वां क्वेश्चन भी आपका पूरा हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन है सोल्व द इक्वेशन 17 + 6p = 9। तो प्यारे विद्यार्थियों 6p एज इट इज, 9 - 17 इधर प्लस में है माइनस में चला जाएगा, 6p = 17 में से 9 को यदि हम माइनस करें तो क्या बचा हमारे पास, -8, तो p = -8/6, तो 2 से कैंसल, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, p = -4/3, p = -4/3, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज आल्सो कंप्लीट। तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन क्या है आपका, सोल्व द इक्वेशन x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। प्यारे विद्यार्थियों हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x/3 एज इट इज 7/15 - 1, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं एलसीएम लेता हूं, एलसीएम आया आपका 15, 15 × 1 = 15, 7 × 1 = 7, तो यहां 1 है तो 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 15, 15 × 1 = 15, तो क्या आया 15 - 7 - 8 - 8/15, तो -8/15, आगे देखिए x/3 = -8/15, x = हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो -8/15, तो यहां 3 किस चीज में है, डिवीजन में है, तो क्या कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, यानी x = -8/5, आंसर। तो यह आपके 12वें क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों हमने 8वीं क्लास के चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस एक्सरसाइज को बड़े अच्छे से किया होगा, बड़ी अच्छी समझ में आई होगी। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा एक्सरसाइज आपको अच्छे से आएगी और इस चैप्टर पर आपकी पकड़ होगी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, शुरुआत अच्छी अंत अच्छा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।